कहा जाता है कि कुछ लोग जेब से अमीर होते हैं और कुछ लोग दिल से। लाहौर शहर के 60 साल रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद अमीन का शुमार दिल से अमीर अफराद की फहरिस्त में होता है, जो 40 साल से रिक्शा चला रहे हैं, मगर पिछले 2 सालों से वो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल के बाहर तकरीबन 200 अफराद को एक वक्त का खाना हफ्ते में 2 दफ़ा मुफ्त खिलाते हैं। मगर रिक्शा चलाकर गुजर बसर करने वाले मोहम्मद अमीन के दिल में ये ख्याल कैसे आया? लंगर का काम मैंने ऐसे शुरू किया कि मैंने अपने जिंदगी में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो मुझे ख्याल ये आया कि हमने अपने लिए क्या किया। कुछ मैं ऐसा चाहता हूँ कि मरूँ तो उसके बाद मुझे कोई याद करे। तो मैंने ये कोशिश की कि हफ्ते में 2,000 रुपये 2,500 रुपये मैंने इकट्ठा करना, तो मैंने वो खाना बनाना शुरू कर दिया। पहले मैं खाना शॉपर में देता था थोड़ा थोड़ा 2,500-3,000 रुपये का। आज कम से कम मैंने 8,000-9,000 रुपये का ये लंगर बना था। मोहम्मद अमीन का मानना है कि हर इंसान को अपने मामलात में ईमानदारी से काम लेना चाहिए, और जो शख्स अपने लेन देन में ईमानदार नहीं होता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं किसी से भी पैसे लेता हूँ मैं नहीं गिनता। क्यों गिनूं? जब आपने मुझे गिने, आपके दिल में चोर है तो ना जाने, तो आप जाने मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैंने तो नेकी लेनी है, वो मैंने ले ली है। वो नेकी का सिला मुझे आज ये मिला है कि अमीर रक्षे वाला हो गया, अमीर रक्षे वाला हो गया। गरीब अफराद के लिए लंगर बनाने के इस काम ने मोहम्मद अमीन की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है, और अब वो इंसानों की खिदमत को अपना अवलीन फरीजा समझते हैं। काश तो मदीना देखने की, मगर अब ये ढूंढी लाकी है। अगर मैं उधर जाता हूँ आप मुझे कहते चलो हम आपको उमरा कराते हैं, बात तो ये है ना कि इधर खाना कौन खिलाएगा। मैंने तो सोचा कि मैंने खिलाना है, मैंने पकाना है, मैंने देना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये देखे आज मेरी ये उंगल कटी। फिर सईद खान, जिनका ताल्लुक लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल के अमले में से है, वो मोहम्मद अमीन के इस कारे खैर से बहुत मुतासर हैं। अमीन रक्षे वाला वो काफ़ी अरसे से माशाल्लाह लंगर बांट रहे हैं और हॉस्पिटल के मुसाफर खानों में तकसीम कर रहे हैं। इन जैसे लोगों का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। अब मोहम्मद अमीन को उनके इलाके के लोग लाहौर का ईदी कहकर पुकारते हैं। मगर मुझे कोई कहता आप ईदी बन गए हो, कभी कोई कुछ कहता, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, मैं तो ईदी साहब के कपड़ों की मैल जैसा भी नहीं हूँ। मगर यही ख्वाहिश है ए, इसमें मर जाऊं। मोहम्मद अमीन का पाकिस्तान के हर शख्स के लिए पैगाम है कि उसे मरने से पहले ऐसा कोई एक काम जरूर करना चाहिए जो उसके नाम को जिंदा रख सके।